सबसे पहले शुरुआत इस खास सजावट के साथ और इस सवाल के साथ कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले पूजा की पूरी विधि क्या है, वो जरा बताइए दर्शकों। दीपा, आपने स्टार्टिंग ऐसे की कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सारी वो चीज़ें हैं हमारे पास, सारी वो सामग्री है जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास होती है। तो सबसे पहले हम विधि से पहले हम बात करते हैं कि कार्तिक मास में दीपावली का पूजन होता है। कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि होती है उसी दिन हम दीपावली का पूजन मनाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा खास होती है, भगवान गणेश की पूजा खास होती है। माँ लक्ष्मी पूरे साल भर आपके घर में विराजमान रहती हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी अवस्था में रहें, यानी कि स्थिर अवस्था में रहें। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, यानी कि वो बहुत लंबे समय तक एक जगह ठहरती नहीं है। तो आज हम उन्हीं खास बातों के बारे में बात करेंगे, उस विधि के बारे में बात करेंगे जिससे कि पूरे साल भर माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहें। तो सबसे पहले सामग्री के साथ अगर हम शुरुआत करें जी, तो देखिए किसी भी पूजा की जब आप बात करते हैं तो उसमें षोड़ोपचार की विधि अपनानी चाहिए, जिसमें कि 16 तरह की विधि होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास भगवान गणेश हैं, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हमने विराजमान की है। अगर आप अपने घर में देखेंगे तो आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, या फिर आप उसे घर का उत्तर पूर्वीय हिस्सा कहते हैं, जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही माना जाता है पूजा के स्थान को बनाने के लिए, या फिर आप जब दीपावली पूजन कर रहे हैं तो आप माँ लक्ष्मी भगवान गणेश को घर के उत्तर पूर्व की दिशा में वहीं पर स्थापित करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल कपड़ा बिछा हुआ है। अब देखिए पूजा में हर एक चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है, एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। लाल रंग जो होता है वो माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय रंग माना जाता है, और घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आपको एक लाल आसन बिछाना है और उसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमाओं को आपको वहाँ पर स्थापित करना है। अब देखिए भगवान गणेश के दाईं तरफ माँ लक्ष्मी को आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ भी भगवान गणेश है, माँ लक्ष्मी है। भगवान गणेश के पूजन के साथ आपको शुरुआत करनी चाहिए, गणेश चालीसा के साथ। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रही थी कि माँ लक्ष्मी को अगर आप चाहते हैं कि वो स्थिर अवस्था में रहें तो आपको इस दिन भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर करना चाहिए। अब आप कौन से मंत्र से इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे? तो देखिए माँ लक्ष्मी का पूजन अगर आप भगवान विष्णु के साथ संयुक्त मंत्र से करते हैं तो पूरे साल भर आपके घर में धन वर्षा भी होती है और सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप दीपावली के दिन पूजन जरूर करें। और देखिए दीपा, आप जिस तरह ये से क्या क्या चीज़ें हैं जरा ये जो चढ़ाना होगा हमको, जिससे माता खुश हो जाएंगी। जी, हम सामग्री पे आते हैं। तो देखिए दीपावली पूजन में मैंने कहा था षोड़ोपचार की विधि, तो उसमें आ जाता है धूप दीप नवेद्य। नवेद्य यानी कि आप जब फल फूल मिठाई अर्पित करते हैं, तो देखिए आपको 5 तरह की मिठाई लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 तरह के फल हमने रखे हुए हैं, यहाँ पर फूल हैं, फूल मालाएं हमने पहले ही अर्पित कर दी हैं। तो घर के मेन एंट्रेंस पर आप रोज़ वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं। रोज़ वाटर स्प्रिंकल करने से, या घर के मेन एंट्रेंस पर आप एक बोल के अंदर पानी भर के उसमें लाल पुष्प या फिर आप गुलाब के पुष्प डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में रहती हैं। इसके अलावा देखिए खीलों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, पंचमेवे का इस्तेमाल हमने किया है। अब एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपको किस तरह की विधि अपनानी है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भगवान गणेश की पूजन आप करें, उसमें आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप भगवान गणेश के पूजन के बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, और माँ लक्ष्मी के पूजन के दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए श्री सूक्त जी का पाठ आप ज़रूर करें। अगर आपकी कोई मनोकामना है, अगर आप कोई चाहते हैं कि भाई आपका कोई काम पूरा हो जाए या कहीं पे कोई काम आपका अटका हुआ है, तो माँ लक्ष्मी के सामने आप गाय के घी का दीपक जलाएं, और घी के नीचे अगर आप चावल यहाँ पर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चावल के ऊपर देखिए चावल का इस्तेमाल पूजा के दौरान, अक्षत का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे तो कोशिश करनी चाहिए खंडित अक्षत नहीं होने चाहिए। चावल के दाने कई बार टूटे हुए होते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खासतौर पर दीपावली का दिन तो देखिए पूरे साल भर का एक ऐसा त्यौहार है जिस पर हम सभी बहुत विधि विधान चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि सही मुहूर्त भी होना चाहिए। इस दिन का जो मुहूर्त रहेगा शाम को 5:37 से लेकर के 7:40 का एक मुहूर्त रहेगा। दूसरा मुहूर्त जो रहेगा वो महानिशीत काल का रहेगा, जो कि 11:36 से लेकर के 12:41 का रहेगा।
अब माँ लक्ष्मी को प्रसाद क्या चढ़ाएं जिससे वो प्रसन्न हो और हर मनोकामना हमारे भक्तों की, हमारे दर्शकों की पूरी हो? जी देखिए, प्रसाद के रूप में जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, 5 तरह की मिठाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि नारियल जो होता है वो माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीफल भी पूजा में रखा हुआ है, श्रीफल महालक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके साथ साथ जो नारियल की मिठाई होती है उसका भोग ज़रूर लगाया जाना चाहिए, खीरों का भोग या पंचमेवे का भोग ज़रूर लगाया जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं पे प्रसाद के रूप में कोशिश करनी चाहिए जो घर में फीमेल्स होती हैं सबसे पहला प्रसाद उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो वही हो गई ना, तो इसीलिए आप उनको सबसे पहले प्रसाद ज़रूर दें। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल ये भी कि आरती को लेकर एक सवाल ये था कि जो लोग घर में हैं, जिनकी छुट्टी है, नौकरी पेशा जो लोग हैं वो घर पर दिवाली के दिन अगर नहीं हैं जी, वो आरती किस तरीके से करें, क्योंकि जो मीडिया वाले लोग हैं वो तो ऑफिसेज में रहते हैं, वो किस तरीके से आरती करें ऑफिस में रहते हुए, काम करने के दौरान कोई विशेष मंत्र उनके लिए जी, और आरती किस तरीके से पारिवारिक जो लोग घर पर रह रहे हैं वो करें किस तरीके से करें? देखिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है, और जब आप भगवान विष्णु का पूजन महालक्ष्मी के साथ करते हैं, वैसे तो लक्ष्मी गणेश जी का पूजन इस समय पर खास है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए इस दिन आप आरती जिस समय पर कर रहे हैं, सबसे पहले आरती का मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए, आरती जब आप करते हैं उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरफ से घुमाते हैं, दैट मीन्स आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने आप को भगवान की तरफ समर्पित कर रहे हैं, और आरती जो होती है उससे आपकी पूजा का एक संपूर्ण हो जाती है आपकी पूजा, तो इसीलिए आरती का खास महत्व ज़रूर है। पूजा आपने कर ली है लेकिन उसके बाद आरती आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब आपने एक चीज़ कही कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई घर पे नहीं है, आप ऑफिस में हैं, तो किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि अगर आप विधि विधान से पूजा नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। मानसिक पूजन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी आप हैं, मानसिक पूजन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अगर आप मन से पूजा कर रहे हैं तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम गणगणपतये नमः, इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। या आप मन से देखिए कोई भी मंत्र अगर आप जपना चाहें या आपका कोई सिद्ध मंत्र हो तो वो इस समय पर आप जप सकते हैं। और माता लक्ष्मी के लिए तो ये कहा ही जाता है कि वो बाहरी चीज़ों से ज़्यादा भावनाओं पर ध्यान देती हैं, अगर भावनाएं सच्ची हैं तो फल आपको ज़रूर मिलता है। इसके साथ ही क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, वैभव यश उनकी देवी हैं, धन की प्राप्ति के लिए कोई विशेष मंत्र है या फिर कोई विशेष तरीका है जो दिवाली के दिन तमाम माँ लक्ष्मी के भक्त कर सकते हैं? जी देखिए, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने जीवन में लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको इस दिन करना ये है कि अष्टदल बनाना है चावल के साथ, और कोशिश कीजिएगा अष्टदल के ऊपर गाय के घी का दीपक रख करके उसके बाद आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, या फिर आप कोशिश कीजिएगा श्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री मंत्र जो होता है महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, या फिर आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। साथ ही साथ में जिस तरह से हम उपाय की बात कर रहे थे, तो देखिए जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि लाल कलर माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, लाल रंग में लाल रंग का कपड़ा आपको ले लेना है, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का आप रख लीजिए, जो लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का होता है या तो वो रखिए आप पूजा के बाद, या फिर आप कोई भी नॉर्मल सिक्का, और वो लेकर के आपको सबसे पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है पूजन के दौरान, आपको जितनी भी विधि बताई गई है उस विधि से आपको पूजा करनी है, उसके बाद आपको वो सिक्का उठा करके या जो कपड़े में आपने बांधा है वो उठा करके आपको अपने तिजोरी में या जहाँ पर भी आप अपना कैश रखते हैं। दूसरी बात, इस दिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए घर के उत्तर की दिशा में या उत्तर पूर्व की दिशा में अगर आप वाटरफॉल्स लगा लेते हैं, कोई झरने की तस्वीरें लगा लेते हैं, तो भी आपके घर में जो पैसे का फ्लो है वो बढ़ता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।